नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 17 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ये देखिए, आप करंट अफेयर 2022 की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम 1200 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसकी फर्स्ट क्लास ये अपलोड हो गई है। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया, यानी 2022 में वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया कब? 16 अक्टूबर को। बी ऑप्शन 16 अक्टूबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये मनाया गया। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये मनाया गया। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये मनाया गया और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ये मनाया गया। ये देखिए आप, ये सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट डे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से वैसे तो आपको सभी याद होना ज़रूरी है, लेकिन तीन दिवस आप ज़रूर याद रखिएगा। 16 सितंबर, इस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस ये मनाया गया। ये तीन दिवस आप जरूर याद रखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन, भारत ने किस देश के हनोई में 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो हनोई जो है ये वियतनाम की कैपिटल है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वियतनाम, ए ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हनोई कैपिटल है, डोंग करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन, इराक की कैपिटल बगदाद है और प्राइम मिनिस्टर है इराकी दिनार। ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये है करेंसी यहाँ की, इराकी दिनार करेंसी है। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है और प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा मैडबोली। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है नॉर्वे क्रोन। तो ए ऑप्शन, वियतनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये देखिए आप, लोकेशन वियतनाम की, ये लोकेशन है वियतनाम की। हनोई कैपिटल है, हो मिन ची सिटी, हो ची मिन सिटी ये लार्जेस्ट सिटी है, डोंग करेंसी है और फा मिन चिन ये प्राइम मिनिस्टर हैं वियतनाम के। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया मेघालय में, सी ऑप्शन, मेघालय थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बात मेघालय की हुई है, तो आप लोकेशन देखें, ये है मेघालय की लोकेशन। तीन साइड से ये बांग्लादेश के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और भारत के अंदर आसाम राज्य के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल है इसकी शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री हैं। बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। 11 जिले हैं लोकसभा की, 2 सीट राज्यसभा की, 1 विधानसभा की, 60 सीटें हैं। शिलोंग में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। आसाम राज्य के साथ बाउंड्री शेयर होती है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, कानून मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये हुआ है कहाँ पर? गुजरात में, ए ऑप्शन, गुजरात जो है फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो गुजरात में है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर स्टेटस दिया जा चुका है। और गुजरात से ही एक पॉइंट और याद रखिएगा आप, कि गुजरात के कच्छ ज़िले में एक गांव है कुनरिया गांव, कुनरिया विलेज, यहां पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया था। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम इसको स्टार्ट किया। और उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको स्टार्ट किया। और उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन, गुजरात फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है किसने?
हैदराबाद ने। ए ऑप्शन हैदराबाद जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2022 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस कब मनाया गया, तो ये दिवस बताइए कब मनाया गया, ये मनाया गया कब, 15 अक्टूबर को। ए ऑप्शन 15 अक्टूबर, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, अवतार सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गिनी। डी ऑप्शन गिनी सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। गिनी की कैपिटल क्या हो गया है, ये है कैपिटल कोनाक्री, और प्राइम मिनिस्टर कौन है गिनी के, बर्नार्ड गोमो। तो डी ऑप्शन जो है ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, किसने माँ भारती के सपूत की वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये की है राजनाथ सिंह जी ने। सी ऑप्शन ये एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, अली मोहम्मद माग्रू को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सी ऑप्शन जो है ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखिएगा। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने किस राज्य के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया, राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया, 14 अक्टूबर को मनाया गया। तीसरा क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को अब्दुल लतीफ राशिद को किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया, इराक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया, IIT गुवाहाटी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, न्यायाधीश पंकज मित्तल को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, राजस्थान। सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, डॉक्टर आदर्श स्विका को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, कुवैत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, 14 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में 3 दिवसीय 5वें दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। चौथा क्वेश्चन, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। छठा क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां किया। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।